तो सुना आपने नगमा को भी, नगमा कांग्रेस की नेता भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, नगमा वोट डालने के बाद वहाँ मीडिया से बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ऋतिक रोशन, राकेश रोशन की, जो कि आज वोट डालने के लिए पहुँचे हैं पोलिंग बूथ पर, और साथ ही अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुँचा, संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ वोट डालने के लिए पहुँचे। हालांकि जब उनसे पूछा गया मुद्दे क्या है तो उन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं। ये भी दिलचस्प है। उर्मिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं आप उस पर? नहीं, यही शो करता है कि ये जो सितारों को भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में लाती हैं, देखिए बेशक लाइए, खिलाड़ियों को भी लाइए, सितारों को भी लाइए, वे सब नागरिक हैं इस देश के, उनको चुनाव में पार्टिसिपेट करने का, सियासत में आने का हक है। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक दलों को उन लोगों को लाना चाहिए जिनका मिजाज भी राजनीतिक है, जो इस देश की जनता के सरोकारों से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं। उनको तो महत्व मिलता नहीं, उनको तो तरजीह बहुत कम मिलती है। आप ला देते हैं उनको जिनको कोई मतलब नहीं है, कहते हैं हमें नहीं मतलब है जी, मेरी बहन लड़ रही है इसलिए आप दीजिए वोट। आई मीन स्वयं उनकी बहन, मैं किसी पार्टी का विरोधी या पक्षधर नहीं हूँ, साफ बता दूँ, तो उनकी उनकी बहन को भी मैंने सुना है एक बाइट देते, मेरी प्रथम प्राथमिकता परिवार है। अरे भाई आपकी परिवार ही है तो फिर परिवार से बाहर क्यों आई हैं? आप अगर राजनीति में आई हैं तो आपकी प्राथमिकता आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, परिवार अपनी जगह है। दूसरी बात इससे पहले एक चीज बता दें, देखिए सलमान खान वोट डालने के लिए आए हैं और इस बार का चुनाव छोड़ दें तो इसके पहले सलमान खान अक्सर चर्चा में रहे जी, राजनीति में ना होते हुए भी राजनीतिक कारणों से, कभी पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाने के लिए और कभी कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने, कांग्रेस की उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब उतरे, तो इस बार लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपने को लगभग कह सकते हैं कि बाहर रखा है चुनाव की खींचतान से, और आज वोट डालने के लिए सलमान खान पहुंचे हैं। उधर बच्चन परिवार आपको दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्या बच्चन, अभिषेक बच्चन, साथ में जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, चारों वोट डालने के लिए पहुंचे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चन परिवार की तरह सलमान खान का परिवार भी बेहद अपॉर्चुनिस्ट है। अगर आप इनकी देखें दो दशक की यात्रा, तो इनके अपॉर्चुनिज्म को आप हर जगह देखेंगे। जैसे बच्चन साहब बीजेपी के साथ हैं, कल बच्चन साहब कांग्रेस के साथ थे, बच्चन साहब फिर समाजवादी पार्टी के साथ आए, जया बच्चन जी उनकी धर्मपत्नी हैं, हम सबकी आदरणीय हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं, मैं राज्यसभा टीवी को लंबे समय तक कवर करता रहा, देखता रहा, उस दौरान भी मैंने देखा कब क्या इस परिवार में पोजिशन लेते हैं लोग समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह सलमान खान के परिवार में पिताजी, भाई जी, स्वयं ये कब क्या करेंगे, देखिए माफ कीजिएगा, लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि हर आदमी अपनी अपनी बात और अपने अपने तरीके से चलने के लिए स्वतंत्र है। ये बताता है कि लोकतंत्र में ये सितारे किस तरह लोकतंत्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह लोकतंत्र को में उलटफेर कर रहे हैं, अपने अपनी ताकत और अपने करिश्मे का इस्तेमाल करके जी, ये जनता के खिलाफ। आज चलिए बलराज सानी याद आ रहे हैं। बलराज सानी ही वाज अ ग्रेट मैन जी, एंड ही ऑलवेज प्लेड फॉर पीपल, ही ऑलवेज प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर पीपल। चलिए सर, लेकिन बलराज सानी को लेकर भी तो आरोप लगे ना कि कैसे राजनीतिक इस्तेमाल उनका अपने नफे नुकसान के लिए, विचार थे सर उनके, अपने विचार थे। ठीक है सर, ये एक, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे आज। लेकिन हम जिन सितारों की बात कर रहे हैं अमूमन उनमें ज्यादातर, आपकी बात से मैं कुछ हद तक सहमत हो सकता हूँ, जरूर होना चाहिए, राजनीतिक विचारों के लिए नहीं जाने जाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक विचारधारा उस तरीके से खुलकर सामने ना आए, क्योंकि कब मौसम बदले तो उसका नुकसान ना हो जाए, जाहिर सी बात है। हालांकि बहुत से लोग आज अक्षय कुमार को भी तलाश रहे, क्योंकि ज्यादातर अमर सिंह जी के शिष्य हैं, वोट डालते हुए दिखाई पड़ी है अमर सिंह, लेकिन अक्षय कुमार प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि लोग उस पर तंज कर रहे हैं कि भाई उनका वोट कहीं कनाडा में तो नहीं है, कि वो कनाडाई नागरिक हैं तो उन्होंने भारत में वोट डाला कि नहीं डाला, उनको भी तलाशा जा रहा। लेकिन ये सारे सितारे जो आज वोट डालने के लिए पहुंचे उनमें से कोई आज तक के कैमरे से बचा नहीं है, कम से कम ये देख लीजिए, सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋतिक रोशन का परिवार आप देख सकते हैं, वो अपने पिता के साथ लाइन में खड़े हुए हैं, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, चारों एक साथ वोट डालने के लिए पहुंचे, देखिए वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान भी आपने देखे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे, आपको दिखाई दे रहे हैं। आशा भोसले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नगमा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उर्मिला मातोंडकर की तस्वीर दिखाई, सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उनकी भी तस्वीरें आपको इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि शाहरुख खान अभी तक सीन से मिसिंग हैं, वो दिखाई नहीं दिए हैं वोट डालते हुए। आमिर खान जरूर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए आए थे और उनको भी हमने देखा कि वो न केवल वोट डालकर गए बल्कि